नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 11 मोबाइल में स्क्रीन लॉक को चेंज कैसे किया जाएगा। दोस्तों यहां पे देख सकते हो हमारे मोबाइल का जो स्क्रीन लॉक है अभी दोस्तों यहां पे पैटर्न में है, लेकिन हमको पासवर्ड में रखना है, तो आप कैसे चेंज करोगे। तो दोस्तों स्क्रीन लॉक को चेंज करने के लिए आपको अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से आपने जो भी स्क्रीन लॉक पैटर्न बनाया वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे पिन पासवर्ड जो भी रखना है वो यहाँ से लेना है। दोस्तों यहाँ पे हम पासवर्ड में रखेंगे, तो पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों सेकेंड आएंगे, यहाँ पे सेकेंड आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे गोट इट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो भी पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप कंफर्म कर देना है सेम वही पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ से हम कंफर्म कर देते हैं और यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे। जैसे आप ओके कर दोगे सक्सेसफुली आपके मोबाइल का स्क्रीन लॉक चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम दिखा देते हैं, लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ से ऑन कर दें। दोस्तों यहाँ से देख सकते हो पहले हमारा पैटर्न था, अब यहाँ पे पासवर्ड हो चुका है। जैसे पासवर्ड डालेंगे और सही के निशान पे क्लिक कर देंगे तो हमारा मोबाइल अनलॉक हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप Redmi Note 11 मोबाइल में स्क्रीन लॉक चेंज कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।